आज उत्तर प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेट का तीसरा क्वेश्चन पेपर हुआ है 16 अक्टूबर 2022 को, और उसका आंसर की मैं डालने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर इसमें आपको कुछ डाउट लगता है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी जो है 15 अक्टूबर के जो दो पेपर हुए उसका आंसर की मैं दे चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज का। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOC के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की? तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरा क्वेश्चन, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर है केरल में, ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन दोनों देशों के बीच में किया गया? तो इसका आंसर है USA के साथ किया गया था, तो ऑप्शन ए भारत और USA। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो जेरूसलम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो कर्मयोगी का मतलब होता है कर्म करने वाला, वहां का कार्यरत कर्मचारी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। छठा नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों के जलवायु प्रतिरोधक किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसरो। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बॉर्डर है, सीमा है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है कुर्ग, कर्नाटक में है। मथुरा की एक कला स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला जो है मथुरा की, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सांझी, आंसर डी। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो तेलंगाना को 2014 में बनाया गया था, और अभी एट प्रेजेंट भारत में 28 राज्य हैं जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, तो एट प्रेजेंट 28 है, लेकिन 29वां राज्य हमारा तेलंगाना था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद का मतलब MLC, ये आंसर है कर्नाटका, ऑप्शन बी। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। क्वेश्चन 13, वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका आंसर है बी, नेपाल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ लिखा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित, इसका आंसर आएगा इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त प्रकाश की तरह, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां जो है, 16 और 16 से लेकर के 20 तक ये जो है पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद, गद्यांश को पढ़ने के बाद आपका जो है आंसर आएगा 16वें का, आंसर बी। 17वें का आंसर आएगा ऑप्शन ए। 18वें का आंसर आएगा ऑप्शन डी। 19वें का आंसर आएगा ऑप्शन ए, सभी 19वें का आंसर यह सभी ए। 20 का आंसर आएगा ऑप्शन डी, बच्चों के मित्र। और 21 से लेकर 25 तक जो गद्यांश दिया है उसको पढ़ने के बाद जो आंसर निकल के आता है, 21 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 1 और 4, 23 नंबर क्वेश्चन उसका आंसर आता है ऑप्शन बी, 2 और 4। एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा ये वर्ड सही नहीं दिया है, यहाँ पे वर्ड सही नहीं दिया है, अदरवाइज ऑप्शन बी ही होना चाहिए, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, ऑप्शन 2 हो सकता है, गलत भी हो, लेकिन सही आंसर होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1 2 4। 25 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है सोने के गहने खरीदना एक अच्छा निवेश है इस गद्यांश के माध्यम से। अब जो है अब आ गया DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है 26 का ए, 27 का 1.7%, सॉरी 27 का 2012,
और 28 का जो है 1.7% आ रहा है, दोनों का डी डी है, 27 का और 28 का दोनों का डी आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, सॉल्व करने के बाद रेशियो है 7:10। 30 नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 93.75। अब 31 से लेकर 35 तक जो ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 31 का पहला ए, 2005 से 2016 तक, 2005 से और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर है, तो ए 2002 और 2007 के। इसी तरीके से 32 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 23%। 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 183.33%। 34 नंबर क्वेश्चन, इसका आएगा आंसर 2002, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ए 4 नंबर। अब आगे जो है क्वेश्चन 36 से लेकर 40, ये भी एक डीआई ही है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 36 नंबर का आंसर आ रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी 77। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी 138। 38 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा 35 इज द रेशियो ऑफ 11। 39 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा 234.29%। 40 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं आ रहा था एक्चुअली में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन जो मेरा आंसर आया 208.208 रेशियो 115 के में है। और फिर अगला डीआई 41 से लेकर 45 तक है। अब इसका आंसर जो आ रहा है 41 का जो है आंसर आया है सी 2.4 मिलियन। 42 नंबर, उसका आंसर है 5 मिलियन। 43 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आया है इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी है इसका 1:2 रेशियो में है। 45 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आया है 1.8 मिलियन। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला थी, तो ये थी मराठा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, तो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक था, ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, तो गया में निरंजना नदी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी, तो इसका आंसर है कन्नौज। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, तो अंग्रेजी, ऑप्शन डी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए, तो मोहम्मद हसरन मोहनी, 1921 में इन्होंने डिमांड किया था। और वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पार्टी जो थी, उसने 1929 में इसका डिमांड किया था, लेकिन सबसे पहले हसरत मोहनी ने 1921 में इसका डिमांड किया था। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल के विभाजन से चालू हुआ था 1905 में। अगला क्वेश्चन, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या थे, तो उसमें खिलाफत आंदोलन जो था वो मुस्लिमों से संबंधित था, और उसी समय उन्होंने जो है हिंदू और मुस्लिमों की एकता के लिए, एक दूसरे के साथ लाने के लिए खिलाफत आंदोलन उठाया था, ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में से ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था, तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, गवर्नर की जो विशेष शक्ति थी प्रांतीय सरकारों से, बाकी ये भी सब शक्तियाँ जो शक्तियों का विभाजन किया गया था, प्रांतीय सरकार पर जो शासनात्मक का उन्मूलन किया गया था, संघीय बैंक की स्थापना भी की गई थी, ये सभी किए गए थे, लेकिन जो फाइनल जो बोल रहा है, अंतिम अधिकार बोल रहा है, इसके हिसाब से ऑप्शन सी। 55 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो इसके हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का परिवर्तन का घटक नहीं है, मतलब किससे जनसंख्या के परिवर्तन का सूचक नहीं मिलता है, तो इसका है रुग्णता, मोरबिडिटी, ऑप्शन सी।
57 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका है कावरत्ती, ऑप्शन सी। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है, मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है? तो वो जो है थार का मरुस्थल, दिन में बहुत गर्मी और रात में मौसम ठंडा हो जाता है। विश्व को कितने प्रमुख कालों, क्षेत्रों, टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 डिवीजन में बांटा गया है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना, उसका नारा ही था स्थिरता के साथ विकास, और इसे साथ ही साथ जो है सेल्फ रिलायंस भी बोला गया था इसमें। और 1974, ये जो है 1969 से लेकर के 1974 तक का कार्यकाल था जिसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया था। 62वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, मतलब कोई एक इंडिविजुअल वर्क पर्सन और साथ में कोई दो चार लोग भी मिलकर किसी कंपनी को चालू करते हैं, तो वो निजी क्षेत्र होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इनका आंसर है ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण अधिनियम 1970। इसमें क्या है कि कुछ प्राइवेट बैंकों को मर्ज करके और एक्वायर करके सरकारी उपक्रम बनाया गया था, तो उसमें अधिग्रहण एवं हस्तांतरण जो है सबसे ही समझ में आता है कि ये नियम लगा करके प्राइवेट बैंकों को सरकारी बैंक बनाया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में कौन सा था? तो इसका था वैश्वीकरण। इस नीति का ही नाम था एलपीजी, जिसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इसका था ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन 66वां, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो क्या कार्यपालिका जो होती है वो उत्तरदायी होती है लेजिस्लेचर, जो हो विधानमंडल, ऑप्शन सी लेजिस्लेचर। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है? तो ये सभी में से टू टीयर जो गवर्नमेंट है वो हमारी विशेषता नहीं है, हमारी विशेषता है थ्री टीयर है, ना कि टू टीयर है। थ्री टीयर गवर्नमेंट का मतलब जो है सेंटर, स्टेट और ग्रामीण, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो जो है इलेक्शन उसका जो होता है वो है थ्री टीयर अपनी विशेषता है। 68 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है, किससे प्रेरित है? तो यह है आयरलैंड से। अनुच्छेद 19, भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 70, पायरिया निम्नलिखित में से किस रोगों के किस किसका रोग है? तो आंसर है इसका मसूड़ों का, गम्स का, गम्स में से ब्लड आने लगता है। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम जो है जल जाइलम, फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों का संचरण करता है वो पौधों में है, आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 72, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की है, थ्री स्तरीय है। एक हॉर्स पावर का वाट में कितना इक्वल होता है, या एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 746 सी। निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, नहीं पूछा है? तो भाप, पानी का भाप में रूपांतरण जो है एक रासायनिक क्रिया नहीं है, ये फिजिकल क्रिया है। बाकी भोजन का पाचन, कोयले का जलना, कागज का जलना, ये सब रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो इसका आंसर है 40, ऑप्शन सी। 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो इसका आंसर है 70.2, ऑप्शन सी। 77 को सॉल्व करने के बाद इसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, 2.35। निम्नलिखित में कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 7.7, 7/8, 7/8। 80 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन का
का जो है आंसर आ रहा है 2.35, ऑप्शन सी। 81, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सी इसका अनिल का है पवन, हवा, समीर, ये आता है अनिल का पर्यायवाची शब्द। गुप्त का विलोम, गुप्त मतलब जो है कोई चीज़ सीक्रेट, तो उसका हो जाता है प्रकट होना, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, गुप्त का ऑप्शन डी प्रकट। 82 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? तो सत, धन, भावना, सद्भावना, ऑप्शन बी। 84 नंबर क्वेश्चन, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? तो श्वेत का अर्थ है पसीना, श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद और पसीना। खाक में मिलना, मुहावरे का क्या अर्थ है? सब कुछ नष्ट हो जाना, ऑप्शन सी। अब इस पैसेज को 86 और 87 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस पूरा पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद जो मेरा आंसर आया है, एलिजाबेथ न्यू नेवर लाइव इन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, डॉन्स्टर, वो सीढ़ी के नीचे रहता था, उसका नया पड़ोसी। 87, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, अस्थमा से सफ़र कर रही थी ये। एग्जिल, एग्जिल का जो है सिनोनिम्स आपको करना है। तो एग्जिल का मतलब ये होता है कि किसी देश से अगर कोई भाग गए, चाहे तड़ी पार डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसका मतलब होता है एक्सिल, तो वो होता है बैनिशमेंट, तड़ी पार डिक्लेयर करना, तड़ी पार होना। क्वेश्चन नंबर 89, एंटोनिम्स करना है मौर्न का, मौर्न मतलब शोक होता है, तो इसका आंसर होगा जो है खुशी मनाना, मौर्न का मतलब शोक। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु सेल्स आर्टिकल एट द पब्लिक सेल्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्शनर। ऑक्शनर जो है वो भेजता है पब्लिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन दोनों कथनों को पढ़ने के बाद जो है कंक्लूजन निकालना है, तो इसका आंसर आ रहा है, मतलब इसमें पूछ रहा है कि एक कारण है दूसरा इसका प्रभाव है, तो इसका आंसर आएगा पहले 91 क्वेश्चन का ऑप्शन सी, और दूसरा जो है 92 नंबर क्वेश्चन, हाँ 92 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। 93 नंबर क्वेश्चन, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई थी? तो अनामलाई जो है नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी, केरला। गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो ये कहेगी ऑप्शन डी, नाना। विषम शब्द चुनना है इसमें, तो विषम इसका आएगा 95 का ऑप्शन ए, 33, क्योंकि ये जो है विभाज्य है, बाकी सब विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन ए 33। 96 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है बी, ऑप्शन 125 अंश बनता है, ये जो घड़ी का दिया हुआ है 6:10 पर अगर घंटे की घड़ी है और मिनट घड़ी है तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा 125 डिग्री का बनेगा। 97 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद शहर का नाम जो है बदल करके क्या रख दिया गया है? तो संभाजी नगर, आंसर सी। 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है यूके। 99 नंबर क्वेश्चन, अब इसका आंसर आएगा सूडान, ऑप्शन डी। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? क्रिप्टो मुद्रा, उपभोक्ता जागरूकता, आयकर, जलवायु परिवर्तन, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपभोक्ता जागरूकता, कंज्यूमर अवेयरनेस। तो इसके साथ ही आज का मेंसर की जो है प्रथम पाली का 16 अक्टूबर का वो मैं दे दिया हूँ। अगर इसमें आपको डाउट लगता है, चाहे कुछ क्वेश्चन होता है, तो आप जरूर इसमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।